जी हाँ, ये ना भूलिएगा कि शेर घायल भी हो फिर भी शेर तो शेर ही रहता है। ভেড়ি কে ধরে তোরা কি করতে পারবি? কিছু করতে পারবি না। ও একটা সত্যি কথা বলেছিল, अभी तो कुत्ते का दिन है, कुत्तारी तो दिन আছে, বুঝতে পারলা তো? अभी तो असली करबोला का मैदान अभी बाकी है। मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या बोल दिया? दोस्तों, मुफ्ती साहब हमेशा अपने बयानों में अमन और शांति का पैगाम देते हैं और गुस्ताखे रसूल को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दरअसल 31 जनवरी 2024 को गुजरात के जूनागढ़ में एक जलसा हुआ था। यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी ने करबला को लेकर कुछ बातें कही और कुछ आशार भी पढ़े। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। আমাদের মুফতি সলমান আজহারী ঠিকই বলেছিল কি আবি কুত্তে কা দিন হে হামারা ভি দৌড় আয়েগা কারবোলা কা আসলি ময়দান আবি তো বাকি হে কিছু করতে পারবি না তোরা ওকে ধরে বুঝতে পারলি কি করতে পারবি। ये बात मुफ्ती साहब अक्सर उन बरसाती मेंढकों के लिए बोलते रहते हैं। इसको भड़काऊ भाषण कहकर इनके खिलाफ किसी ने FIR दर्ज कर दिया। जबकि हमारे ही देश में कुछ एंटी इस्लामिक सोच रखने वाले लोग अक्सर हमारे दीन के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और खुले सांड की तरह घूमते हैं, उन पर कभी केस दर्ज नहीं होता। और अफसोस के आज मुसलमान जाहिलों के पीछे जा रहे हैं आलिमों को सपोर्ट करने के बजाय। ना मुसलमान किसी से लड़ता है, ना ही किसी से डरता है, समझ में आया? और वो अगर लड़ने में आ गया तो वही पुराना अंदाज होगा, सर पे ताज होगा, लास्ट में फिर अपना ही राज होगा। जिस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। हम मौत की वादी से यूं तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत न हो बादशाह, दुश्मन भी तूने।